Subscribe to my channel for more amazing content. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग अपने जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं उन तमाम जनरल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूं जो कि आप लोग फेस करेंगे अगर आप लोग यहां पे दोस्तों नया नया कैमरा लेते हैं तो। डेफिनेटली दोस्तों, यहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि मोबाइल कैमराज जो है धीरे धीरे डे बाय डे आर गेटिंग बेटर। स्टिल दोस्तों, यहां पे कैमराज या फिर मिररलेस कैमराज कहिए, उनकी प्लेस अलग ही है व्हेन यू टॉक अबाउट बीइंग ए प्रोफेशनल। Now, ये जो जनरल प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं कि बैकग्राउंड ब्लर कैसे लें, फोकस कैसे ठीक करें। वो जो होती हैं दोस्तों स्पेसिफिक यहां पे प्रॉब्लम्स निकल कर आती हैं, जनरल प्रॉब्लम्स जिनके बारे में आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। एंड ये प्रॉब्लम मैं तभी आपको बता पा रहा हूँ दोस्तों बिकॉज मैं भी कभी जो है सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे रिलाई करता था बीइंग इट फॉर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी। तो रिसेंटली मैंने जो है दोस्तों APS-C मिररलेस कैमरा फुजी फिल्म एक्सएस 10 पे अपग्रेड किया हुआ है, तो इसलिए मैं जो है ये सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को यहाँ पे बता पा रहा हूँ। नाउ, सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आती है दोस्तों वीडियो फाइल साइज। ठीक है, देखिए फोटो फाइल साइज का तो कितनी ही साइज होगी फोटो की, ज़्यादा से ज़्यादा 20 MB, 25 MB, 15 MB, लेकिन जब बात आती है दोस्तों यहाँ पे वीडियो फाइल की, तो यहाँ पे आप लोगों को तो जान के शौक लगेगा कि जैसे कि मोबाइल कैमरा की अगर मैं बात करूं, वहां पे 2 मिनट की फुटेज मोस्टली 500 MB की जो है आप लोग देख पाएंगे, एवरेजली मैं बात कर रहा हूं यहां पे। वही अगर दोस्तों मैं यहां पे कैमरे की बात करूं तो 2 मिनट की फुटेज यहां पे 2 GB तक की जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन दी क्वालिटी ऑफ वीडियो इन विच यू आर शूटिंग। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, अगर यहां पे 2 मिनट तो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, तो आप इतना कम वीडियो तो शूट करेंगे नहीं। वही अगर दोस्तों यहां पे आप 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा ऐसा शूट करते हैं, तो आप लोग खुद ही इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों कि फाइल की साइज जो है 15, 20, 25 GB तक भी जो है यहां पे आपकी आराम से जा सकती है। नाउ, यहां पे एक चीज आप लोग देखिए दोस्तों, इन सारी चीजों को ट्रांसफर करने के लिए आपके पीसी में या फिर लैपटॉप में या फिर अपने टैबलेट में, तो आपको चाहिए दोस्तों एक फास्ट कार्ड रीडर या फिर दोस्तों फास्ट USB 3.1 केबल। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये चीज़ स्पेसिफिकली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट में जब आप मान के चलिए Type-C to Type-C केबल भी खरीदते हैं, तो मेनली आप अगर सस्ती वाली लेते हैं तो वो USB 2 स्टैंडर्ड की होती है। तो थोड़े पैसे जो है यहाँ पे खर्चा कीजिए और USB 3.1 वाली ही जो है केबल लीजिए, इससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाएगा इन ए लॉन्ग रन। ठीक है, आप खुद ही सोचिए दोस्तों, अगर 15-20 GB की फाइल आप वो ट्रांसफर कर रहे हैं, वो स्लो स्पीड से हो रही है, तो कितना ज़्यादा टाइम जो है आप लोगों का यहाँ पे जाएगा। तो छोटी फाइल के केस में समझ में नहीं आता, जब फाइलें बड़ी होती हैं तो उस केस में समझ में आता है। तो कार्ड रीडर भी लें तो अच्छा वाला देख के लें, 3.1 वाला आप जो है उसमें स्पेसिफिकेशंस पढ़ के यहां पे लें, बिकॉज कार्ड रीडर मैं जानता हूं दोस्तों मार्केट में भी मिलते हैं, 100-150 रुपए के भी मिलते हैं, तो वो वाले ना लें, प्रोफेशनल वाला जो है आप लोग यहां पे यूज कर सकते हैं। फिर बात आती है दोस्तों वायरलेस कैमरा, वायरलेस जो आती हैं ऐप्स इनके अंदर, कैमरा के अंदर वायरलेस फोटो ट्रांसफरिंग, वायरलेस वीडियो ट्रांसफरिंग। तो दोस्तों ये वाली जो ऐप्स होती है ना, कोई भी आप कैमरा उठा के ले लीजिए, फूजी फिल्म, निकॉन ले लीजिए, कैनन ले लीजिए, सोनी ले लीजिए, इन सब के अंदर ये वाली ऐप जो होती हैं बगी होती हैं। इनफैक्ट आप लोग इनकी रेटिंग्स भी दोस्तों चेक कर सकते हैं प्ले स्टोर पे, iOS स्टोर पे, इनकी रेटिंग्स उतनी अच्छी नहीं होती। द रीजन बीइंग इज दीज ऐप्स आर बगी एंड दीज ऐप्स आर ओनली गुड फॉर ट्रांसफरिंग फोटोज। आप अगर दोस्तों सोच रहे हैं इससे कि मैं जो है इसे वीडियो ट्रांसफर करूं बड़े बड़े 10 GB 15 GB के, तो दोस्तों ऑफ एंड द टाइम वो मींस हाथ खड़ी कर देंगी ऐप्स और बीच में क्रैश मार जाएंगी, तो आपका काम जो है यहां पे रुक जाएगा। तो इसलिए इन ऐप्स के ऊपर कभी रिलाय मत कीजिए। इन केस अगर आपको रिलाय इन पे करना ही है, तो मेनली मैं यही रिकमेंड करूंगा कि फोटोज ही जो है आप लोग यहां पे ट्रांसफर करें। फिर बात आती है दोस्तों इनबिल्ट माइक की। तो फ्रेंड्स, कैमरा आप कितना भी महंगा ले ले, इनबिल्ट माइक जो है उस लेवल का आपको जो है देखने को नहीं मिलता कि आप सीधा जो है इससे शूटिंग चालू कर दें। तो मैं आप को यही रिकमेंड करूंगा दोस्तों, एक अच्छे क्वालिटी के माइक में जो है यहां पे इन्वेस्ट करें, ताकि आपका जो ओवरऑल आउटपुट है दोस्तों, वीडियो तो हर चीज होती नहीं है, उसके अंदर साउंड भी जो होता है दोस्तों एक मेजर रोल प्ले यहां पे करता है, तो वो भी जो है आप लोगों का यहां पे प्रॉपर बैठ जाए। बाय द वे दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि मैं जो है कौन सा कैमरा, कौन सी एसेसरीज यूज कर रहा हूं? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, मैंने उन सब में जो है आप लोगों को लिंक दे दी है। एंड एनीवे दोस्तों, आपको इस मेरे वीडियो से थोड़ी बहुत भी वैल्यू मिलती है तो डेफिनेटली मेरे चैनल को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी और दोस्तों काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूं। फिर बात आती है दोस्तों, आगे बढ़ाता हूं मैं वीडियो को, कि
यू विल बी पाइलिंग अप लॉट ऑफ एसेसरीज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कैमरा ले लिया बात खत्म, ये इकोसिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, तो इकोसिस्टम में जब आप घुसते हैं ना दोस्तों, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको इकोसिस्टम की और भी चीजें लेनी पड़ती हैं, जैसे कि केबल्स हो गया, कार्ड रीडर हो गया, स्टैंड हो गया, माइक हो गया। तो ये सारी चीजें जो हैं आप लोगों को धीरे धीरे यूज करना चालू करेंगे तो पता लगेगा कि ये सारी चीजें भी लेनी पड़ती हैं। तो इनके बिना जो होता है दोस्तों, काम थोड़ा रुक सा जाता है या फिर उतना फ्लुएंटली नहीं चल पाता है। फिर एक चीज दोस्तों, आप लोग यहाँ पे मैं आप लोगों को टिप दे रहा हूँ कि नॉन स्टैंडर्डाइज्ड एसेसरीज जो होती हैं, जैसे कि कैमरा हो गया, ठीक है, आईफोन हो गया, मान के चलिए कोई भी ब्रांडेड कंपनी की ब्रांडेड चीज आप लोग लेंगे तो उसकी कीमत में दोस्तों उतना अंतर नहीं आएगा। आप कहीं से भी ले, चाहे आप ऑनलाइन लें या फिर ऑफलाइन लें, मुश्किल से थोड़ा बहुत ही अंतर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों जो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड एसेसरीज होती हैं, जैसे कि कैमरा के केस में मैं बात करता हूँ, मान के चलिए जो स्टैंड होता है आपका, स्टैंड की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ दोस्तों, मान के चलिए जो स्टैंड है आप लोगों का कैमरा स्टैंड, वो जो है उतना नामी कंपनी का नहीं रहता, एक जेनरिक रहता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली जो होता है कैमरा से वाइट लेबल ब्रांड होता है दोस्तों। यहाँ पे इंडिया में अलग अलग कंपनीज उसके ऊपर जो है अपने नाम के थप्पे मार देती हैं। तो ऐसी चीज़ों को जो है ना 10 जगह से पूछ के खरीदिए। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जब मैं कैमरा खरीदने गया तो उसके साथ जो स्टैंड मुझे वो दे रहा था, दैट स्टैंड वॉज गुरिल्ला स्टैंड, वो 800 रुपये का था। लेकिन दोस्तों ये जो है मैंने उस वक्त नहीं लिया, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया। एंड सेम स्टैंड जब मैं चर्च गेट के बाहर दोस्तों खरीदता हूँ, छोटे छोटे जो बेचते हैं ना दोस्तों रोड साइड पे उन लोगों से, तो सेम स्टैंड मैंने ऑलमोस्ट जो है 300 रुपए का खरीदा है। सेम कोई डिफरेंस जो है यहाँ पे देखने को मुझे नहीं मिला है, सेम ही कंपनी है, सेम ही ब्रांडिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ऐसी नॉन स्टैंडर्डाइज्ड चीज़ें जो होती है ना दोस्तों, पूछ के यहाँ पे खरीदिए। फिर एक चीज़ आती है दोस्तों, आप जो है अपने लेंस पे जो है यहाँ पे लेंस कैप लगा के रखिए। लेंस कैप मैं दोस्तों प्लास्टिक वाले की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो ट्रांसपेरेंट होती है, तो इससे आपकी जो है वीडियो क्वालिटी भी जो है आप लोगों की अफेक्ट नहीं होगी यहाँ पे, और जो भी कुछ धूल वूल होती है दोस्तों वो भी आपके कैमरा में नहीं जाएगी। तो आपकी लेंस जो है दोस्तों काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे बची रहेगी। बिकॉज दोस्तों मैंने एक चीज़ देखी है, लेंस के ऊपर जो है ना थोड़ी बहुत धूल ऐसी जमती रहती है लेंस के ऊपर, अगर आप उसे नेकेडली यूज़ करते रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में वो हानिकारक है। बिकॉज एक बार धूल जम गई, कुछ स्क्रैच आ गया दोस्तों लेंस के ऊपर, तो डेफिनेटली आप लोग जान सकते हैं कि क्वालिटी जो होगी उसकी कम हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंट लेंस कैप जो है यहाँ पे आप लोग लगा के रखिए, उससे कोई आपका जो है लेंस भी बचा रहेगा और क्वालिटी में भी जो है कोई कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे नहीं होगा। फिर बात आती है दोस्तों, गो एज फार एज पॉसिबल विद द लेटेस्ट कैमरा और इनबिल्ट लेंस पैक जो आता है आपके कैमरे के साथ में, वही आप लोग यूज कीजिए। लेटेस्ट कैमरा मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ दोस्तों, क्योंकि कुछ भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है दोस्तों, वो जो है आप लोगों को लेटेस्ट कैमरा में ही देखने को मिलेगी। ज्यादा पुराना मत खरीदिए, थोड़ा पुराना चल सकता है लेकिन इतना ज्यादा भी पुराना जो है आप लोग यहाँ पे मत खरीदिए। फिर जो आप लोगों को कैमरा के साथ में, बॉडी के साथ में दोस्तों जो लेंस कंपनी प्रोवाइड कर रही है, तो मैं आप लोगों को वही रिकमेंड करूंगा कि फर्स्ट टाइम में जो है वही बाय करें। बिकॉज ज्यादातर जो ये लेंस होती है दोस्तों, वो थोड़ी मैं कहूंगा वेल प्लान्ड तरीके से कंपनीज जो है यहाँ पे कैमरा के साथ में पुट करती हैं, तो ऑल इन वंस लेंस जो है ये कहीं ना कहीं निकल कर आती है। तो आप लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे जो है आप लोग इससे सीख सकते हैं। फिर आप जब पकड़ बना लेंगे तो आप जो है दूसरे लेंस की तरफ जो है यहाँ पे दोस्तों मीन्स शिफ्ट कर सकते हैं। फिर बात आती है दोस्तों कैमरा के वेट की, तो देखिए दोस्तों कैमरा है, कैमरा के ऊपर लेंस है, ठीक है, कैमरा बॉडी, कैमरा लेंस हो गया, फिर उसके बाद उसके ऊपर का माइक हो गया, और थोड़ी बहुत केबल लगाते हैं तो उसका भी वेट आप लोग यहाँ पे ले लीजिए। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हल्की नहीं होती हैं, ये सारी चीज़ें जो है भारी होती हैं। तो मोबाइल आपका जो है ऐसे कहीं भी आप लटका सकते हैं, तो मेक श्योर जो स्टैंड हो आप लोग यहाँ पे उसका अच्छा लें और हैंडल इट विथ केयर, बिकॉज भारी होता है दोस्तों, ठीक है, आप अलग से वेट उसका फील कर पाएंगे। आप जो है 5 मिनट भी उसको ऐसा पकड़ के रखेंगे ना स्टैंड के साथ में, आपके हाथों में थोड़ा दर्द होना चालू हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप जो है गुरिल्ला स्टैंड यहाँ पे ले, ताकि उससे जो है अलग अलग पोजीशन पे जो है आप अपने यहाँ पे कैमरा को रख सकें विदाउट होल्डिंग इट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स।